औरंगाबाद जिले में ब्लॉक प्रमुख की दो सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। कबरई ब्लॉक प्रमुख के सभी 130 मतदाताओं ने और चरखारी में 57 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों सीटों पर 100% मतदान हुआ। मतदान के बाद सबसे पहले चरखारी ब्लॉक प्रमुख के 57 मतों की गिनती प्रारंभ की गई, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित महिलाओं के लिए भाजपा उम्मीदवार सीमा कुशवाहा 28 मत पाकर विजय घोषित कर दी गयी। वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार प्रवेश कुमारी को 25 मतों से संतोष करना पड़ा, वहीं 4 वोट अनवैलिड पाए गए। वहीं कबरई ब्लॉक प्रमुख के लिए सपा प्रत्याशी वैभव सिंह और 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। यहां भाजपा के 3 कार्यकर्ता चुनाव मैदान में होने की वजह से भाजपा ने किसी को अपना टिकट नहीं दिया था। निर्दलीय उम्मीदवार राजू सिंह को 73 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात पाठक को 51 मत प्राप्त हुए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वैभव सिंह 5 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय उम्मीदवार राजू सिंह ने इसे सभी कार्यकर्ताओं और भाजपाओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव मेरे लिए एक चुनौती थी। मैं सभी BDG सदस्यों का आभारी हूं। मैं ब्लॉक के विकास के लिए काम करूंगा। भाजपा की जीत है और आप ये जानते हैं, आपको सब पता भी है, क्योंकि सारे लोग हमारे पार्टी के लोग लड़ रहे थे, पार्टी के पास ही सब वोट थे, क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया। कितने मत प्राप्त हुए आपको? मत तो हमें 75 मिले थे, लेकिन चूंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी थी उनकी इच्छा थी, तो हमने कहा 2 नहीं 4 इनवैलिड करा दो, क्योंकि प्रशासन को भी ना लगे। हमने कहा जीत तो जीत हो। कितने खुश हैं इस जीत को लेके? खुश कहाँ है हम, ये तो चुनौती है। पद मिलने से कोई खुशी नहीं, ये काम हमको जो मिला है और जो हमारे BDC ने हमारा जो क्षेत्र के लोगों ने साथ दिया है, तो हमें उसमें काम करके देना है, तब खुशी होगी। मोहब्बत से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।